डेरिवेशन, अब हमें जो है डेरिवेशन करनी है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो इसको हमें ड्राइव करना है, ठीक है। अब इसको ड्राइव करने के हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। पहले हम एक छोटी सी डायग्राम, सबसे पहले हम एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे। देखो इसमें हमारे पास एक, ये हमारे पास एक फ्रिक्शन लाइक स्पेस है जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। जब हमने इसको ऑब्जेक्ट को ढकेला या धक्का दिया तो फोर्स लगाई हमने, तो वो फोर्स जाके वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो मूव किया तो उसने डिस्टेंस कवर किया एस। जब यहाँ पे वो रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी, और जब यहाँ पे आके वो रुक गया तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो गई, जिसको मैंने नाम दे दिया वी का, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या लगाई थी, उसको फोर्स लगाई थी, ठीक है। ये डायग्राम तो मैं समझ में आ गई। अच्छा इसकी थोड़ी सी अगर एक्सप्लेनेशन अगर आपको लिखनी है तो एक्सप्लेनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करना है हमको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, आप ये लिख सकती हो कि सपोज़ हमने सपोज़ किया है, क्या सपोज़ किया है, सपोज़ अ बॉडी, हमने एक बॉडी को सपोज़ किया है ऑफ मास, मास जिसको हमने एम का नाम दिया है, ठीक है। जो बॉडी ऑफ मास है उसको एम का नाम दिया है, वो क्या है, इज एट रेस्ट प्लेस पर है, यानी कि वो रुकी हुई है, ठीक है। आफ्टर, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स यानी कि फोर्स का हमने एफ हमने लिख दिया इसका एब्रिविएशन एफ, ठीक है। तो उसने कितने किया, क्या कवर किया, इट्स कवर्स अ डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जो कि विथ फाइनल वेलोसिटी क्या था हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पे वी एफ को हमने क्या नाम दिया है, वी एफ का नाम दे दिया हमने, ठीक है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी एफ इक्वल्स टू वी था, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास हैंस वर्क डन, कोई ना कोई यहाँ पे काम हुआ है, वर्क डन हुआ है ऑन द बॉडी, उस बॉडी के ऊपर। तो वर्क डन का फार्मूला हम सबको पता है, वर्क डन का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, वी नो डैट, क्या है वर्क डन का फार्मूला, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास वर्क डन का फार्मूला फोर्स बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के, बात एक ही है, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सही है। अच्छा अब हमारे पास मसला ये है कि फोर्स और जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। देखो फोर्स का फार्मूला तो तुम्हें पता है, फोर्स हमारे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ फोर्स बराबर होता है एम ए के, ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए ना आपको ये जो डायग्राम दी हुई है इसको हम फॉलोअप करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और एस की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसमें दोनों वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल तरीका है, ठीक है। चलो तो अब सबसे पहले आप हमारे पास यानी कि आप लिख सकते हो कि आप पहले क्या निकालना चाह रहे हो, आप पहले आप निकाल दो एफ, फॉर एफ, फॉर एफ लिख दिया मैंने जैसे, ठीक है। फॉर एफ, फॉर एफ के लिए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, एफ बराबर होता है एम ए के, ठीक है। तो एफ की वैल्यू आपके पास फौरन आ गई, ठीक है, एफ की वैल्यू आपके पास फौरन निकल के आ गई, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है हमको, अब चाहो तो इसमें आप पुट कर दो, चाहो तो अभी रोक दो, जब दोनों वैल्यू अगर दोनों, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो, ठीक है, सही है, और इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दो, ठीक है। अभी आप कंटिन्यू रखो, बाद में एक साथ वैल्यू पुट करना, सही है। अब आपके पास क्या कर रहे हो, आप फॉर आप निकाल लो फॉर एस, अब आपको एस निकालना है, ठीक है। फॉर एस के लिए आपको क्या करना बनेगा, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा मौजूद है, हम डेटा देख लेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वी आई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है वी एफ इक्वल्स टू वी, और एक चीज़ और कवर हो रही है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है यहाँ पे एस, ठीक है। अब ये हमारा डेटा बन गया जो कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर डालेंगे।
तो ये दो जो मैंने डेटा बताया है तुमको, ठीक है, उसके हिसाब से अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम एक दफ़ा और लिख लेंगे, क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as बराबर होता है, 2as बराबर होता है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर के, ठीक है। 2a और s हमारे पास, ठीक है, vf की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, vf की वैल्यू हमने वी स्क्वायर है, और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो है, ठीक है। अब यहाँ से हम s की वैल्यू एक्चुअली में निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जीरो पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर चाहो तो आप लगा दो, कोई मसला नहीं है, आप लगा दो। वैसे एक जीरो का स्क्वायर जीरो बाई जीरो, जीरो को जीरो कर देता है हर चीज़ को, ठीक है, इसलिए जीरो के साथ आप कुछ भी लगा दो वो जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल लेंगे, आप s बराबर s की वैल्यू क्या निकल जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन टू है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। अब पुट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू of f and s in equation a, a में हम पुट करेंगे। a इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यहाँ लिख के लगा दो, f बराबर, a इक्वेशन क्या थी हमारे पास, w बराबर है f into s के, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब w बराबर है f की वैल्यू हमारे पास क्या, ma है, और s की वैल्यू हमने क्या निकाली है, m की, s की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन टू है, ठीक है। तो a से a कट गया हमारे पास, सही है, a से a कट गया हमारे पास, a से a कट गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच गया, w बराबर हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। और हम पता है, हमें जानते हैं कि जो वर्क होता है वो फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो f बराबर हो जाएगा वन अपॉन टू, मैंने अलग लिख दिया, एम वी स्क्वायर, ठीक है, f बराबर होता है एम वी स्क्वायर के, ठीक है। और अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, f बराबर होता है w बराबर होता है, अच्छा ये कैसे वेरीफाई होगा कि देखो, अगर w बराबर होता है mg के और f बराबर होता है ma के, ठीक है, तो m से m कट गया तो g बराबर हो जाएगा a के, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन आर द सेम। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो कि वर्क जो होता है हमारे पास बराबर होता है एनर्जी के, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है, इसलिए हमको एनर्जी की इक्वेशन यूज़ करनी है। तो एनर्जी कौन सी वाली यूज़ हो रही है यहाँ पे, के ई बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया सारी चीज़ें आपको कि किस तरीके से आपको आसानी के साथ ये करनी है सोल्यूशन, ठीक है। और इसका पूरा सोल्यूशन जो है हमारे पास ये मौजूद है, एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये फिर हमने एक फार्मूला लिख दिया, फिर सबसे पहले हमने एफ की वैल्यू निकाली, फिर हमने एस की वैल्यू निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, फिर हमने इसको पुट कर दी वैल्यूज़ को, ठीक है, और यहाँ से फिर हमने के ई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ हमने डेरिवेशंस जो हैं, ऐसी बात है, अब जो है हमने बाकी जो हमारा काम है वो हमने डायरेक्ट कर लिया है, यानी कि इसमें सॉल्यूशंस मौजूद हैं और इसमें काफ़ी आसान तरीके से हुआ है सारे फार्मूले के साथ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो आराम से मिल जाएं।